आइए दोस्तों सिखाता हूँ आपको मैं मशीन लोड कैसे करते हैं। मतलब कि रखी हुई मशीन, ये एक पुरानी मशीन है, इसको हम लोड करेंगे क्रेन सिस्टम या कंपनी में जो मशीनें होती उनको बाहर कैसे लेके जाते हैं या बाहर से अंदर कैसे लाते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है, आज मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मशीन की लोडिंग कैसे करते हैं, ट्रक वगैरह में कैसे रखी हुई मशीन को उठाना है और उसे हमें लोड करना है। पुरानी मशीन को हम शिफ्टिंग करा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये हाइड्रोलिक जैक होता है। हाइड्रोलिक जैक से हम थोड़ा सा मशीन के नीचे हाइड्रोलिक जैक लगा के थोड़ा सा मशीन को उठाते कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैड्स लगे हुए मशीन के, पैड जहाँ पे मशीन इस्टेब्लिश होती, जहाँ पे मशीन रखी होती वो पैड्स के सहारे रखी होती। तो उस पैड के बाद हम उस पैड को ढीला करेंगे, पैड को ओपन कर लेंगे, पूरा खोल लेंगे, उसके बोल्ट्स बाहर कर लेंगे। तो आप देखेंगे ये जो पैड है ये क्या होगा, फिक्स जो पैड था अब ये मूव करने लगा, इसको बाहर कर लेंगे हम। फिर हम क्या करेंगे, हम एक मूविंग पैड जो हमारे पास है जिसमें व्हील्स लगे हुए हैं वो पैड को हम एडजस्ट करेंगे इसके नीचे। तो उसके लिए हमें पहले इस जैक को और उठाना है क्योंकि इसका जो डायमेंशन है पैड का वो थोड़ा ज़्यादा है। तो अभी आप देख रहे हो कि हमने क्या किया कि हाइड्रोलिक जैक के थ्रू मशीन को थोड़ा थोड़ा उठाया और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा हम सहारा ले लेते लकड़ी वगैरह का ताकि इसको जब हम उठाएं उसके बाद हमें हाइड्रोलिक जैक को भी रिलीज करना होता है। अभी आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक जैक को रिलीज़ किया गया, अभी जो सिस्टम है वो अभी क्या है, पैड को हमने लकड़ी पे सहारे पे रोका। अभी हमें क्या करना है, इसको और ऊपर लेके जाना था ताकि ये इजीली जो हमारा मूविंग पैड है, जो हम एक मूविंग पैड लगाएंगे इसको मशीन को मूव कराने के लिए, तो हम कर सकें। तो मूविंग पैड फिक्स होने के बाद इसे फिर हम नट और बोल्ट से टाइट कर देते हैं जैसे पहले था। पहले फिक्स पैड था, फिक्स पैड को हमने हटाया, अब हमें मूविंग पैड पे इसे फिट कर देना है। तो कितने 6 पैड होते हैं मशीन पे, 2 आगे 2 पीछे और 2 बीच में। आगे पीछे वाले पैड्स को हम खोलेंगे और उनको ये जो हमारे पास मूविंग पैड्स हैं इनको फिट कर देंगे उसमें, सिंपल तरीका है। और जो बीच का पैड होते हैं दोनों उनको हम खोल के ऊपर कर लेते हैं क्योंकि उन पे मूविंग कराने की ज़रूरत नहीं होती, उन पे ये जो मूविंग पैड्स होते हैं इनको नहीं फिट किया जाता है। तो सेम मेथड अप्लाई करेंगे, मशीन के पीछे साइड भी हम ऐसा कर लेते हैं। ये आपको वीडियो एक भी नहीं मिलेगी मूविंग से रिलेटेड, मशीन को मूव कैसे कराना है, क्योंकि मशीन जो होती है वो 4000 से 5000 केजी मिनिमम आपकी मशीन 3000 से 4000 केजी तो रहेगी ही रहेगी, 3 टन या 4 टन बोलते हैं जिसको हम, तो काफ़ी भारी होती मशीन, मशीन को मूव कराना इतना आसान नहीं होता। तो इसके लिए एक सिस्टम होता है, पूरे सिस्टमेटिक वे में अगर हम मूव कराएँ तो हम थोड़ा सा ईजिली करा पाते हैं। तो आप देखिए हमने मूविंग प्लेटें सारी जो जितनी थी वो सब फिक्स कर दिया। अब इसे मशीन को खींचना होता है, हमने क्या किया, आगे और पीछे दोनों में मूविंग पैड्स फिट कर दिए, जो बीच का पैड था उसको हमने बोल्ट से खोल के रख दिया सिर्फ, क्योंकि उसको हमें वहाँ पे हमें मूविंग पैड फिट करने की ज़रूरत नहीं थी। अब हम धीरे धीरे मशीन को घसीटते हैं, ताकत लगती है, आगे और पीछे दोनों तरफ से लोग ताकत लगाते हैं तो हम इसको खींच पाते हैं। सिंपल बेसिक मेथड है। और क्या होता है, जैसे किसी भी डायरेक्शन में मूव कराना है तो हम ये जो रॉड है उसको उसी डायरेक्शन में मूव करा देते हैं, जस्ट लाइक अ स्टीयरिंग, जैसे कि हमारी स्टीयरिंग होती उसी तरीके से। और ताकत हमें एक साथ लगानी पड़ती है, आगे और पीछे से जब एक साथ ताकत लगती तभी हम मशीन को ईज़िली खींच पाते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों अब क्या होता है कि क्रेन जो होती वो अंदर नहीं आ पाती, कई कंपनीज़ में क्रेन अंदर तक नहीं घुस पाएगी कि डायरेक्ट मशीन को उठा सके, तो हमें मशीन को खींच के ही बाहर लाना पड़ता है। ये सिंपल मेथड है और 99% ये फॉलो किया जाता है इंडिया में खासकर। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे मशीन को खींचते हुए बाहर की तरफ लेके आएंगे जहाँ पे हमारा क्रेन खड़ा हुआ है, उसके बाद का काम क्रेन का होगा, क्रेन मशीन को उठाएगी। तो आप देख सकते हैं ये जो क्रेन है हमारी, अब मशीन को उठाने का काम जो है वो क्रेन का होगा। मशीन हमने बाहर लाके एक जगह पे रख दी। अब क्या है, अब मशीन को माउंट करना है। ये मशीन पे माउंटर्स लगे होते हैं, इनमें हमें रोप के थ्रू, मतलब एक मोटी जो रस्सियाँ होती उनकी थ्रू हम इसको बांधेंगे। इसकी जो रोप्स होती हैं वो
आप देख सकते कैसी होती। तो इन रोप्स पे हम इसको टाइट करेंगे। तो ये चार जगह पे, मोस्टली फोर्ड जगह, चार जगहों पे ये बेस दिए होते हैं जहाँ पे हम इसको फिट करते हैं। तो एक सिस्टमेटिक वे है, अपना अपना तरीका होता है, बस एक परफेक्शन होना चाहिए कि हाँ एक बार अच्छे से चेक कर ले, सारी चीज़ें टाइट अच्छे से होना चाहिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उस रोप को क्रेन पे अटैच कर देते हैं। अब बाकी सारा फंक्शन क्रेन का होता है। क्रेन मशीन को धीरे धीरे पुल करती है, ऊपर की तरफ उठाती रहती, धीरे धीरे हम ये सब चीज़ें देखते हैं। ये काम बहुत ही आराम से किया जाता है, पहले चेक कर लिया जाता है थोड़ा बहुत उठा के कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई रोप वगैरह में दिक्कत हो तो वो उसी टाइम हो, तो जिससे अगर कभी मशीन हमारी सडन फॉल हो जाए तो ये गिर जाए। और जब मशीन उठे तो मशीन से थोड़ा सा दूरी बना के रखें, जब थोड़ा मशीन ऊपर हो जाए, क्योंकि इन सब चीज़ों पे हमें सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, अपने यहाँ लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे सेफ्टी शूज़ वगैरह नहीं पहनते। अब उनको हम कुछ कह भी नहीं पाते क्योंकि बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड कराती सेफ्टी शूज़ और बहुत सारे नहीं दे पाते। तो उससे भी क्या होता है, सेफ्टी तो मस्ट है, बट आप लोगों को सिखाने के लिए मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, तो सिर्फ सीख लीजिए। इन लोगों को भी मैंने कहा, बट जिस कंपनी में ये काम हो रहा था वहाँ पे उनके पास सेफ्टी शूज़ उस तरह से अवेलेबल नहीं थे, एक्स्ट्रा नहीं थे इतने ज़्यादा। तो अब क्या है, अब क्रेन से हम लोडिंग को करेंगे ट्रक में या जिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से हमें शिफ्ट कराना है मशीन को। तो अब क्या होगा, ये आप देख सकते हैं कि क्रेन के थ्रू सिस्टमैटिक हम मशीन को आगे रख देते हैं। मशीन जो है हमारी वो ट्रक के अंदर लोड हो चुकी है। इसके बाद हम थोड़े थोड़े इसको बांध देते हैं, माउंटर्स लगा देते हैं लकड़ियों के, ताकि इधर उधर मशीन ना भागे। दोस्तों ये थी मशीन।